हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसएसएन और यूबिक्सर्स चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ। और आज हम कैसे रीप्रोग्राम या डंप को राइट करना दिखाएंगे। तो चलिए, इस जो एप्लेन एक है CPH 1823 मॉडल का है, वो कंज्यूम 90% लिख रहा है, जो हैंग ऑन लगा होती है उस वक्त आपको क्या करना है, उसको आपको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। तो रीप्रोग्राम करने से आपका सेट सही से ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम आज रीप्रोग्राम करते। तो फ्रेंड्स, अभी हमें जो है रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 90% फेल हो चुका है और ये पहले से ये आपका जो 90% दिख रहा है, तो अभी हमें उसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। रीप्रोग्राम करने से पहले आपको बैकअप लेना है, और किस तरह बैकअप लेंगे वो आपको मैंने पहले वीडियो से दिखा चुका हूँ। तो जो भी आई में रिलेटेड या सिक्योरिटी रिलेटेड फाइल बैकअप ले लीजिए, उसके बाद आपको EMC फैक्ट्री रीसेट कीजिए। देखिए, मैंने EMC फैक्ट्री यूज कर चुका हूँ, कर लिया है। देखिए, ये आपका बन गया ये फैक्ट्री। और उसके बाद आपको यहाँ पे चारों को क्लिक करने के बाद, देखिए CSCSD यूजर आई डी बोटो पे क्लिक करके इर्स करना है, जैसे कि सारे को डिलीट करना है, साफ करना है। हमें अभी उसको रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। रीप्रोग्राम मतलब उसका बोट और बोट वन, बोट टू, यूजर आई डी, वो फाइल को दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए, मैं अभी बैकअप ले चुका हूँ, ये है हमारा बैकअप वाला फाइल, यहाँ पे देने से ये आ गया। मैंने पहले से बोल रहा था कि आपका यूजर पास जितना छोटा लेना है उतना छोटा ले लीजिए, मतलब ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने देखे राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट करना का है आपको डिवाइस पार्टीशन रिपोर्टेबल इग्नोर राइट पार्टीशन, ओके। ये हमारा हो गया जो बोट वन, बोट टू, RPMB, MB, EXCSD, यूजर आई वो रीप्रोग्राम हो चुका है। तो एक बार आइडेंटिफाई करने का है, आइडेंटिफाई आपका ये हो गया। देखिए, बोट पार्टीशन इज वन इनेबल फॉर बोट, ये ओप्पो F9 का मॉडल है, CPH 183। तो ये MediaTek में आपको यहाँ पे पार्टीशन सपोर्ट 0.0 = 0.7 आएगा, और बोट पार्टीशन इज वन इज इनेबल फॉर बोट आने से ये सही से हुआ है। तो अभी हमें जो यूजर पार्ट्स है, जो यूजर पार्ट्स एरिया है, उसको फ्लश करना है। देखिए, यहाँ पे आ गया मेरे सारे के सारे। मैंने पहले से बता चुका हूँ कि किस तरह कैसे डंप लेना है। तो जो डंप मैं लेता हूँ उसको मैंने अभी ले चुका हूँ, तो उसको अभी फ्लैश रीप्रोग्राम करना है। हमारा रीप्रोग्राम हो चुका है, तब बस अभी हमें जो रो फाइल है, जैसे कि प्राइमरी GPT पोर्ट पारा, यहाँ पे आपका जो CPHOF फाइल में नहीं मिलेगा, ये रो फाइल होती है, तो इसको आप पहले से बैकअप लेना चाहिए। और देखिए, मैं एक एक करके फ्लैश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको राइट करना है, राइट पे दबाइए, थोड़ी देर के बाद एक एक करके वो पास हो जाएगा। तो इस तरह फेल आएगा, देखिए इस तरह फेल बार बार आएगा, ये MediaTek प्रोसेसर है तो फेल तो आ सकता है। तो उसके हमको क्या करना है, लास्ट वाला कौन सा सक्सेस हुआ है, जैसे कि रिजर्व EXP1, तो उसके बाद जो फाइल है हमें फ्लैश के रिजर्व ओप्पो कस्टमाइज ऑन ओप्पो कोस्ट में जो है वहाँ तक फ्लैश हो चुके हैं, उसको छोड़ के बाकी सभी को बारी बारी हमें फ्लैश करना है। देखिए,
थोड़ा टाइम लग सकता है रीप्रोग्रामिंग में, मगर इस तरह रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और ये जो मीडियाटेक प्रोसेसर का है, आप 2GB हुआ 1GB फ्लैश करने से थोड़ा फेल होता है बार अभी में, जो नॉर्मल जो एनवी डाटा मेटा डाटा ये फ्लैश कर रहा हूँ। अगर ये सेट क्वालकॉम का होता है तो आप उसमें VCC लगा देने से आपका जितना भी बड़ा फाइल है वो आराम से जितना भी टाइम लेना है ले जाएगा, मगर वो आराम से फ्लैश हो सकता है। मगर यहाँ पे आपको बारी बारी से फ्लैश करना पड़ेगा। तो और मैं यही कहूँगा कि फ्रेंड से आप EMC से ज़्यादा ISP से कीजिए। अगर ISP फेल होता हो जाता है तो EMC में आप ट्राई कीजिए, क्योंकि EMC ओपन करना और जुड़ना में जितना टाइम लग सकता है, ISP पे आप उतने टाइम से सही से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ हमारा पेस्ट फाइल तक पास कहाँ तक पास हुआ है, तो हमारे पेस्ट फाइल जो है वो फेल हुआ है, तो उसको फिर से रेड करते हैं। थोड़ा तो हमें F9 में क्या है, आप टेस्ट पॉइंट से आप F9 को फ्लैश कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो मेन फाइल होती है जैसे कि NVRAM, मेटाडाटा, NVCPGF, ये जो कस्टमाइज ऑप, ये जो फाइल है इसको हम इस तरह फ्लैश कर देंगे, और उसके बाद वो ऑफ फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसको टेस्ट पॉइंट से U5 Android 12 से फुल फ्लैश कर देंगे। उसके बाद सेट पूरी तरह ऑन होगा और ऑफिशियली जैसे फ्लैश होता है उसी तरह फ्लैश हो जाएगा, तो सेट श्योर ऑन हो जाएगा। तो चलिए तो फ्रेंड्स अभी हमारा ये जो फ्लो डंप था जो उसको और अब हम रिप्रोग्राम कर चुके हैं, अभी क्या है उसको जेन्युइनली फ्लैश करना पड़ेगा जैसे कि ऑफिशियली फ्लैश। यहाँ पे अब फैक्ट्री इमेज में जाके फ्लैश कर सकते हैं, मगर फैक्ट्री इमेज पे फ्लैश कर सकते हैं नहीं तो आप ये टेस्ट पॉइंट से फ्लैश हो सकता है। तो इसीलिए मैं अब इसको टेस्ट पॉइंट से फ्लैश करने की कोशिश करूँगा, और उसका जो फाइल है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं चलिए मैं उसको फाइल ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड है वो उसका फाइल पहले से ही उसको एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, तो हमें कोई एक्सट्रैक्ट करना नहीं पड़ेगा, सीधे उसको फ्लैश करना है। देखिए यहाँ पे आपका अंडर टॉल ओपन करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आपको मीडियाटेक चॉइस करना पड़ेगा। मीडियाटेक के बाद आपका ओप्पो है, क्योंकि ओप्पो का F9 मॉडल है, F9, और ये रहा क्या हमारा लिस्टिक। यहाँ पे आपको जो स्कैटर फाइल है उसको चूज करना पड़ेगा, उससे आपका क्या है सर फाइल, यहाँ पे स्कैटर फाइल कहाँ मेरा, यहाँ पे आपका स्कैटर फाइल आ गया है, और यहाँ पे आपको देखिए हाँ मैं MTK चॉइस हो चुका है। तो यहाँ पे हमें उसको फ्लैश करना है। डंप राइट होने के बाद आप जंपर निकल के उसको सिर्फ टेस्ट पॉइंट से उसको कनेक्ट कीजिए, उसके बाद आइडेंटिफाई होने के बाद और एक बार टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करके। तो अभी हमें देखिए टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट कर चुके हैं, तो अभी हमें फाइल को दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट हो चुका है, तो अभी हमें जस्ट फ्लैश करना है। और ये हमारा जब देखिए फ्लैश शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, इस तरह आपको फ्लैश कीजिए। आपका जब बूट और रिकवरी डिस्टर्ब हो जाता है, या तो
ओप्पो हैंग ऑन लॉगो हो जाता है, उसमें क्या है आपका जो मेन पार्टीशन है उसको फुल होने के बाद आप वो बूटिंग नहीं ले सकता है ज्यादातर, तो उसको हमें रीप्रोग्राम करना पड़ता है। और रीप्रोग्राम कैसे करना है तो मैं देखिए, इस तरह आपको फुली रिसेट करना है, उसके बाद इट्स, उसके बाद नांदा टेस्ट या हेल्थ रिपोर्ट देख के उसको ईएमसी रीप्रोग्राम में रीपार्टीशन करना पड़ेगा। रीपार्टीशन करने के बाद उसको डम चढ़ाना चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद यूजर पार्ट में सारे एक एक करके चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद इस तरह मेडियाटेक सारे जितने इस तरह फ्लास करना पड़ेगा। ओके, तो ये अभी हमारा जो फेल हो चुका है वेंडर, तो वेंडर को हम दोबारा फ्लास करेंगे कर लेंगे। देखिए ये अभी हमारा जो सिस्टम फ्लास फेल हो गया था, अभी फ्लास हो रहा है। तो अगर फेल हो जाता है तो जहाँ से फेल होते उसे दोबारा फ्लास कीजिए, और पूरी तरह फ्लासिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिक ऑन होगा, आपका सेट सही तरीके से ऑन होगा। तो इस तरह आप रिप्रोग्राम करिए। और ये है हमारा मेडियाटेक का। और एक बार अगला जो आगे जो लेसन होगा उसमें आपको क्वालकॉम का कैसे फ्लास करना मैं बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आगे और हमारे साथ जुड़ी रहिए। हमारा चैनल, दो चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हम आपको हेल्प करेंगे। जिस तरह हम कोशिश करेंगे कि आपका जो जो जितना प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आईएसपी पे जो जो वीडियो बना बना है, क्योंकि अभी बहुत सारे यूजर आईएसपी पे काम करते हैं, तो आईएसपी में जो जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बताऊंगा। और आईएसपी के बाद अब अगले जो वीडियो में ईएमसी को निकल के उसका आईएसपी कैसे ढूंढना है और आगे क्या क्या करना है, उस पे भी रिग प्रोग्राम और एफआरपी सब वगैरह मैं दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह हमारे साथ जुड़ी रही। देखिए सिस्टम फाइल से यूजर डेटा फाइल बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। यूजर डेटा जितना भी बड़ा है मगर उसको फ्लास करना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो नया फाइल आप लोड करते हैं तो बहुत सारे फाइल उसके साथ जुड़ी रहती है, सिस्टम का और बूट का या रिकवरी का जो भी है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। कुछ फ्रेंड्स जो है यूजर डेटा बड़ा है और लेट हो गया बोल के उसको इग्नोर करते हैं, मगर आपको मैं ही कहूँगा यूजर डेटा को इग्नोर ना कीजिए, उसको भी सही पूरी तरह फ्लास कीजिए। मेडियाटेक में ज़्यादातर टेस्ट जो भी ओप्पो है उसका टेस्ट पॉइंट आती है, नहीं तो नॉर्मल फोन का जस्ट आप वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके भी आप अंडरटोन से फ्लास कर सकते हैं। तो इस तरह आप रिप्रोग्राम कीजिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आपका ये सेट पूरी तरह खत्म हो गया, कंप्लीट इन 4 मिनट। चलिए,